बढ़िया है ना, आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा निखार आएगा, और जितना ज्यादा निखार आएगा उतने ज्यादा आपके नंबर है। हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के सभी परीक्षार्थियों का एक ही बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये है, क्या डैश वर्क में से क्वेश्चन आते हैं, क्या प्रीवियस ईयर के पेपर में से क्वेश्चन आते हैं, क्या पासबुक में से क्वेश्चन आते हैं, क्या सिर्फ पासबुक डैश वर्क पढ़ के 80 या 90% बना सकते हैं। इस सभी बातों पर चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर, तो पैसेंस बना के वीडियो का एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फाइनली मैं यहां पर बताना चाहूंगा आप सभी को कि 10वीं 12वीं बोर्ड में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो शॉर्टकट की तलाश करते हैं। शॉर्टकट का मतलब ऐसी ट्रिक ढूंढने की तलाश करते हैं जिससे कि उनके कम समय में अधिक नंबर आ सके हैं और वो कम समय में पढ़कर अधिक से अधिक नंबर ला सकें। ये सभी की सोच होती है, ये सिर्फ ना केवल बोर्ड परीक्षार्थियों की, सभी की, चाहे वो कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी की सोच होती है कि यार शॉर्टकट तलाशा जाए। और शॉर्टकट काम करता भी है लेकिन एक लेवल तक, ऐसे नहीं कि आप डेस्क वर्क पढ़ के ही आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे, वहीं कॉलेज में सॉल्ट पेपर पढ़ने से ही आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा कतई नहीं होता है। आपको बुक्स भी पढ़नी पड़ती हैं, आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। अब यहां पर मैं बात करूंगा सबसे पहले डेस्क वर्क की। किसकी बात करूंगा? डेस्क वर्क की बात करूंगा। अगर मैं डेस्क वर्क की बात करूं यहां पर, तो उसमें मॉडल पेपर होते हैं, जिस नॉर्मली मॉडल पेपर होते हैं जो अनसोल्ड होते हैं, और वहां पर आपको स्पेस भी दिया जाता है कि आप सोल्व करें, आंसर को लिखें। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग यहां पर आपके जो है डेस्क वर्क आती हैं, मॉडल पेपर आते हैं। एक डेस्क वर्क में करीब 10 या 15 मॉडल पेपर होते हैं हाईएस्ट, तो एक सोल्ड होता है जो लास्ट ईयर में आया हुआ होता है, बाकी सब अनसोल्ड होते हैं। तो एक सोल्ड करके बताया हुआ होता है कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस हैं, बाकी सब अनसोल्ड होते हैं। मैं पहले बताऊंगा फायदा क्या है, फिर बताऊंगा नुकसान क्या है। फायदा तो यह है कि आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस कैसे होगी? डेस्क वर्क जारी होती है आपकी जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके एग्जाम आने से 2-3 महीने पहले आपके डेस्क वर्क आ जाती है। जब आपका रिवीजन चल रहा होता है, आपकी प्रैक्टिस चल रही होती है, तब तो आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको बोलते हैं कि भाई आप डेस्क वर्क खरीद लो, और वो खुद भी आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि उसमें 15-20 पेपर होते हैं, मॉडल पेपर होते हैं, जिससे आपकी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाती है। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे IIT-JEE, नीट क्लास 6ठी से 12वीं का सवाल हो, इन सवालों का जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट नट पर। साथ ही क्लास 9वीं से 12वीं तक की चल रही हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं डाउट नट ऐप पर। आप भी जाइए और इंस्टॉल कीजिए डाउट नट ऐप। तो यहां पर क्या है, आपको आइडिया लग जाता है कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में से आने वाला है, कितने नंबर के आने वाला है। जिस प्रकार से मैंने आपकी प्रैक्टिस करवाई है ना, आपको जो मॉडल पेपर जारी हुआ है आरबीएससी बोर्ड का, उसको मैंने सॉल्व करवाया है, मैंने आपको हर तरह से बता दिया कि किस सेक्शन में से कितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। उसी प्रकार से डेस्क वर्क में भी ऐसा ही होता है। डेस्क वर्क में जैसे दे दिया कि भाई सेकंड नंबर का चैप्टर है साइंस का मानव तंत्र, मानव तंत्र में से इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, 6 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, तो पूरे डेस्क वर्क के सभी मॉडल पेपर में उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। छोटे क्वेश्चन इतने बनने वाले हैं, एक एक नंबर के इतने क्वेश्चन बनेंगे, 2-2 नंबर के इतने बनेंगे, तो उसका आपको आइडिया हो जाता है। आपको यह भी प्रैक्टिस हो जाती है आपको लिखना कैसा है और कितने लाइन लिखनी है, कौन से क्वेश्चन में कितनी लाइन लिखनी है, इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे नहीं आप 3 लाइन का पूछा है आप 10 लाइन लिख रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है डेस्क वर्क से। अब कितने क्वेश्चन मिलते हैं बोर्ड पेपर में वो सब सोच रहे होंगे, वो कब बताएंगे, तो वो अब मैं बताता हूं। जरूरी नहीं है कि डेस्क वर्क में से क्वेश्चंस मिले, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है। कुछ क्वेश्चंस मिलते भी हैं, 20%, 30%, 40% मिल भी जाते हैं, लेकिन आप उस पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करें कि क्वेश्चन मिल जाएंगे, सिर्फ वो प्रैक्टिस के लिए होती है। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं उनमें से भी आने के चांसेस रहते हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लो, चाहे अब जो आपके मॉडल पेपर या आपके अनसोल्ड पेपर बनते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो, बात वही है। तो डेस्क वर्क में से क्वेश्चन मिले नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। काफी बार ऐसा हुआ है कि डेस्क वर्क में से ही क्वेश्चन आए हैं, काफी बार ऐसा हुआ है डेस्क वर्क में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप उस पे मतलब उसको लेके आए, प्रैक्टिस करें, पढ़ लें, कोई बड़ी बात नहीं है। एक मॉडल पेपर में 30 क्वेश्चन होंगे, 28 क्वेश्चन होंगे, तो 10-15 मॉडल पेपर होते हैं, तो कुल मिला के 250-300 क्वेश्चन, तो उसको कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम इतनी मोटी किताब पढ़ सकते हैं एक किताब के अंदर, एक सब्जेक्ट के अंदर हम 20-20 चैप्टर पढ़ सकते हैं, तो हम वो 250-300 क्वेश्चन आराम से लर्न कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसमें से आते हैं तो बहुत बड़ी बात है,
लेकिन आप आपका मतलब क्या है, आप ये पूछना चाह रहे हो कि भाई डेस्क वर्क में से अगर आते हैं तो हम वही पढ़ लें, ऐसा नहीं करना। मेरे स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप बुक्स भी पढ़ेंगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और आप डेस्क वर्क भी पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए उसी पर पूरा फोकस नहीं रहेंगे कि इसी से क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रही बात पासबुक की, संजीव संजीव की आती है एक्सीलेंट की, बहुत ज़्यादा मतलब कि मार्केट में सभी राइटर्स की पासबुक आती हैं। हमारे राजस्थान की मैं बात करूँ आरबीएससी बोर्ड की, तो यहाँ पर संजीव बहुत ज़्यादा फेमस है। और संजीव के जो आप पहला पेज देखोगे उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये टॉपर्स आपके यहाँ से हैं, तो सब लेते हैं संजीव पासबुक खरीद लो। ठीक है, पासबुक खरीदनी चाहिए, एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए। देखो रेफरेंस बुक की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, आपको कोई क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आ रहा हो, तो रेफरेंस बुक आपके पास होनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि रेफरेंस नहीं होनी चाहिए, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं, अदर किसी बोर्ड के बच्चे होते हैं या आरबीएससी बोर्ड के बच्चे, सबके पास रेफरेंस बुक होती है। रेफरेंस बुक आपके पास में होनी भी चाहिए जिससे आपको सहायता मिले। अगर आप कहीं रुक रहे हो, अटक रहे हो, आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो उसमें आपकी जो रेफरेंस बुक है बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। तो सभी टीचर बोलते हैं कि आप रेफरेंस बुक भी हायर कर लो, आप लिया हो और मतलब कि बढ़िया तरीके से आप अपनी पढ़ाई करो। तो ऐसे नहीं कि आप पासबुक ही पासबुक पढ़ो, ऐसा नहीं। आपकी जो लैंग्वेज है वो बुक्स में बहुत बढ़िया होती है। मैं एक टीचर हूँ और टीचर होने के नाते आपको बिल्कुल बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ कि यहाँ पर पासबुक डेस्क वर्क ये मैटर नहीं करेंगी अगर आपने किताब को पढ़ लिया। आरबीएससी बोर्ड की जो किताब है, जो इस सत्र की बता रहा हूं मैं, एनसीईआरटी फिर भी आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, आरबीएससी की जो किताब है उनमें रेफरेंस की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सारी चीजें क्लियर दे रखी हैं, सारी डेफिनेशन क्लियर दे रखी हैं, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई हैं, आपको किसी भी रेफरेंस की जरूरत नहीं है अगर आप टीचर से पढ़ रहे हो। और अगर आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप किसी रेफरेंस को लिया है और उसमें से प्रैक्टिस करें, तो मतलब कि पूरा कंप्लीट डिपेंड नहीं रहे उन पे कि मुझे रेफरेंस ही पढ़नी है, मुझे पासबुक ही पढ़नी है, मुझे डेस्क वर्क ही सॉल्व करनी है, उस पे डिपेंड नहीं रहे। और आपको पास भी होना है तो मैं ये भी गारंटी नहीं दूंगा कि अगर आप डेस्क वर्क पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। पास हो सकते हो, जाओगे नहीं, ये मैं गारंटी नहीं दूंगा। तो डेस्क वर्क में से क्वेश्चन मिलते भी हैं, नहीं भी मिलते हैं, लेकिन आपको पूरा उस पर बेस नहीं रहना है, उस पर निर्भर नहीं रहना है। खुद की पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई करो, क्योंकि एग्जाम डेट बहुत पास में है आपके पास, लगभग 2.5-3 महीने हैं आपके पास में, तैयारियों में जुट जाओ और लाओ, बिल्कुल लाओ, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सके। संजीव में भी क्या होता है, पासबुक के अंदर क्या होता है, आपके अतिरिक्त क्वेश्चन होते हैं, आपके जो एक्सरसाइज है चैप्टर के पीछे वाली उसके क्वेश्चन तो होते ही हैं, इसके अलावा वो खुद के भी क्वेश्चन देता है अतिरिक्त, और उसके अलावा ये भी देता है कि लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चंस कौन कौन से थे। तो बढ़िया है ना, आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा निखार आएगा, और जितना ज़्यादा निखार आएगा उतने ज़्यादा आपके नंबर आएंगे। तो जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है उतना प्रैक्टिस करें और मेहनत करते रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।